के बाहर खड़ी कार पर बिना किसी बात के ही फायर कर दिया। गोली गाड़ी के शीशे को चीरती हुई सीट में जा धसी। घर के बाहर लगे सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद गाड़ी के मालिक, नगरपालिका उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षद विजय गौतम ने मकरोनिया थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मकरोनिया पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों बाइक सवार बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही फायरिंग की वजह का पता चल पाएगा। तो ये फुटेज टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो बदमाशों ने फायरिंग की है। मकरोनिया का ये बटालियन क्षेत्र, बाइक पर सवार दो बदमाश आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी के पास से गुजरते हैं और पीछे बैठा बदमाश फिर खड़ी कार पर फायर कर देता है। सागर से पंकज प्रजापति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी बदमाशों के बारे में अब तक पुलिस हासिल कर पाई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो वारदात है वो आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास की है। उसके बाद जब विजय गौतम कहीं जाने के लिए अपने घर से निकले, उन्होंने देखा कि गाड़ी के शीशे में एक होल बना हुआ है। फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज घर का निकाला, इसमें देखा कि दो युवक जो है वो बाइक से आते हैं और दो फायर करके चले जाते हैं, चूंकि एक गोली मिस होती है और दूसरी गोली जाकर उनकी सीट में, जो ड्राइवर सीट है उसमें जाकर गोली धस जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले में जब विजय गौतम मकरोनिया थाने पहुंचे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके तकरीबन 3 से 4 घंटे में घेराबंदी कर अलग अलग स्थानों की सीसीटीवी फुटेज निकालकर जो है दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में फिलहाल अभी पुलिस ने कारणों का खुलासा नहीं किया। उनका यह कहना है कि लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है, आरोपी कौन है, कहां के, इस संबंध में भी जब पूरी पूछताछ हो जाएगी उसके बाद पुलिस मामले में खुलासा करेगी। जी बहुत धन्यवाद पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।